Hi everyone. So today we are practicing class 9th NCERT exam paper exercise 2.1. This is an exercise based upon all the multiple choice questions, very important for your school exams. Let's discuss question number 1. We have been given 4 options. The first option, let me write down the options for you and then I'll tell you what is the question. So, the question is, out of these 4 options, which of them is a polynomial? Inme se polynomial kaun sa hai? To check whether an algebraic expression is a polynomial or not, humko uska power of variable check karna hai. The rule is that the power of variable should not be negative or fraction. Jahan par bhi negative ya fraction aa jayega, wahan polynomial, wo algebraic expression polynomial nahi hai. ठीक है, वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट एक्स वाई जेड. नाउ दिस इज, दीज ऑल आर वेरिएबल एक्स. यहां पर हम पावर देखेंगे, एक्स का पावर कितना है? 2. यहां पर एक्स का पावर है 2. यहां पर एक्स का पावर कितना है? इट सीम्स टू बी 2, मगर ये 2 नहीं है. एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, दिस इज नेगेटिव 2. बिकॉज एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था दैट 1/a^m इज इक्वल टू a^-m. यानी जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव की होती है. सो जैसे ही नेगेटिव आ गया, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. लेट्स टॉक अबाउट दिस b. यहाँ पर x की डिग्री कुछ नहीं है, दैट मीन्स हमें लगता है 1 है. बट अगेन क्लास 8th there is a law of exponent. आपने चैप्टर 1 क्लास 9th में भी अंडर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 1.6 में पढ़ा होगा. nth root of a is a^(1/n). नाउ दिस इज अ स्क्वायर रूट. x जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है. सो दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी x^(1/2). सो यहां पर जो पावर है वेरिएबल की वो फ्रैक्शन हो गई. फ्रैक्शन और नेगेटिव हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं है. लेट्स सी हेयर. यहां पर तो पावर 2 है, वेरी इजी. यहां पर न्यूमरेटर की पावर है 3/2 और डिनोमिनेटर की पावर है, अगेन इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. अंडर द सेम, इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मीन्स सेम लॉ लगाते हुए x^(1/2). Now, what is the actual power of this particular combination? हमने एक और law पढ़ा था law of exponents में, कि अगर same base होती है और division होता है तो powers subtract हो जाती हैं. That means this will be x^(3/2 - 1/2). The answer will be 2/2, that is 1. So यहाँ पर आपकी power कितनी हो गई? 1. Power 2 है, power 1 है. ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है. दैट मीन्स दिस इज द आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. इज देयर एनी डाउट? नो? ओके. सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने चेक कर लिया होगा. इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है. ठीक है, सो ये नोट कर लीजिए. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम पेपर, एक मिनट, एनसीईआरटी एग्जाम पेपर एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एमसीक्यूज. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. एक मिनट वेट करिएगा. Question number 2. What is the question? That what is the degree of this polynomial?
रूट टू की डिग्री कितनी है? हर्षिल, कुड यू गिव मी एन आंसर? यस, 1/2। 1/2? मैम कहना है? यस राहुल। मैम 0। दैट्स करेक्ट, इट इज 0 हर्षिल। डिग्री यानी बट इट्स इन रूट। हे भगवान, रूट के अंदर कौन है हर्षिल? 2 है मैम। हमें किसकी पावर देखनी होती है? वेरिएबल की। वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? मैम कोई नहीं है। जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी पावर कितनी होगी? 0। देन व्हाई आर यू सेइंग 1/2? देयर इज नो वेरिएबल। हमें नंबर्स की पावर नहीं देखनी है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। देयर इज नो वेरिएबल, दैट मीन्स द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। वैसे भी आप एक बात हमेशा याद रखो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो 1 नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। सो x की डिग्री तो 0 है, सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल? द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 0। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। इन द क्वेश्चन नंबर 3 देयर इज अ पॉलीनोमियल। आई एम जस्ट राइटिंग द पॉलीनोमियल एंड द क्वेश्चन इज what is the degree of the polynomial? Sahana, what is the degree of the polynomial, bache? Mom, 4. That is correct. The answer is, Sahana, tumne tukke se sahi answer de diya. The correct answer is 4. Degree means the highest power of the variable. जहां 0 लगे हैं वो तो है वैलिड ही नहीं है, बिकॉज दीज बिकम 0। जब मैंने सिखाया था कि जो मिसिंग होता है उसके साथ 0 लगा देते हैं, पर एक्चुअल पॉलीनोमियल में तो वो होता ही नहीं। एक्चुअल पॉलीनोमियल तो ये है। सो व्हाट इज द डिग्री? द डिग्री इज 4, राइट? ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया नहीं है गाइज, आप चाहो तो रजिस्टर में लिख लेना। डेफिनेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ जीरो पॉलीनोमियल? व्हाट इज अ जीरो पॉलीनोमियल? व्हाट इज अ जीरो पॉलीनोमियल? द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलीनोमियल। यूजुअली क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज अ जीरो पॉलीनोमियल। निधीश, आई एम सॉरी बट यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड बाय समबडी इन योर होम। आपका फोकस नहीं है क्लास में, या तो आप उनको बुला रहे हो या वो आपको बुला रहे हैं। मैम नो वन इज कॉलिंग मी। देन आपका फोकस, आप इधर उधर देख रहे हो। नो मैम, मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा था। डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल, जीरो के साथ एक्स की कितनी पावर है हर्षिल? जीरो। यू कैन से 0 to the power x 0। व्हाट विल बी द आंसर? 0। ठीक है वेदिका, कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस? मैम 10। मैम 0। इट विल अगेन बी 0। निधीश, कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस? मैम 0। दिस विल आल्सो बी 0, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। मैं एक्स की कोई भी डिग्री लगा दूं, रहेगा तो 0 का 0 ही। दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल, द आंसर इज It cannot be defined. I don't know x के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी लगा दो वैल्यू 0 ही रहने वाली है। ठीक है, कुछ भी लगा दो वैल्यू 0 ही रहने वाली है। सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल cannot be defined. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज अ वन मार्कर ये बहुत आता है, डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल। सो इसको प्लीज नोट कर लो।
और ये examples नोट कर देना because they will make you understand कि हमको कैसे कैसे हमारा आंसर जीरो ही आया. डिग्री कुछ भी होती रहे द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो. सो आई डोंट नो कि जीरो के साथ यहाँ पर पावर में कितनी वेरिएबल में कितनी पावर है. सो द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलीनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. Exemplar exercise question number 5. The question is, आपको एक polynomial given है, आपको p of 2 root 2 निकालना है. कैसे करते हैं इसको हर्षल, कैसे करते हैं ये question हम? Ma'am, we will replace x with 2. ये x की जगह हम वो value लगा देंगे जो हमको दी हुई है. करिए ये question. x की जगह हम 2 root 2 लगा देंगे. टू root 2 square. वैसे तो इसका क्या मतलब है 2 root 2 into 2 root 2. अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 2 root 2 को 2 root 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. बाकी सॉल्व करना भी सिखा देती हूँ. इसमें हम ऐसे करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, सो दैट मेक्स इट 8. ये भी यही है 2 2 जा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2, सो 4 इंटू 2 इज 8. सो द करेक्ट आंसर इज 1. So the value of p of polynomial of 2 root 2 is 1. Any doubt? No? Okay. Let's do question number 6. Aisa hi question hai same. Question number 6 mein humko polynomial jo diya hua hai 5x minus 4x square plus 3 aur aapko x is equal to minus 1 yani p of minus 1 pe value nikalni hai. Kariye. अगेन हम पी एक्स की जगह माइनस वन लगा देंगे एंड वी विल सॉल्व दीज ब्रैकेट्स. दिस विल बी माइनस फाइव, दिस विल बी माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन, पॉजिटिव वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय फोर, इट्स फोर प्लस थ्री. दीज आर लाइक टर्म्स, माइनस फोर माइनस माइनस फाइव माइनस फोर इज माइनस नाइन प्लस थ्री, द आंसर इज माइनस सिक्स. Any doubt? Okay. Let's do question number 7. In question number 7, we have been given that px is equal to x plus 3. Aur humko find karna hai the value of px plus the value of p of negative x. px to hume de hi rakha hai. P of minus x ka matlab hai x ki jaga minus x lagana hai. So this will become minus x plus 3. Now the question is, in dono ko add kar do. Kar dete hain. This plus this, yani x plus 3 aur isko add karna hai. To humne isko add kiya. X aur x kat jayega, the answer will be 6. Chaho to note kar lo, the answer will be 6. Kuch doubt hai to pooch lo. Question number 8. Question number 8 is saying, what is the zero? ये भी बहुत important है. आप चाहो तो इसको ना zero polynomial जहां आपने लिखा है वहीं पे लिख लेना. What is the zero of a zero polynomial? What is the zero of a zero polynomial? सबसे पहले तो zero का मतलब क्या होता है निधीश? जीरो का क्या मतलब है? सॉरी आई कैन नॉट हेयर यू. मैम जीरो मीन जीरो, मैम दैट जीरो मीन जीरो, जीरो मीन्स नंबर जीरो. यस मैम.
what is the zero of a polynomial? Zero of polynomial का क्या मतलब होता है? निधिश आप सही से बात करोगे? अनम्यूट म्यूट का खेल खेलना छोड़ के आप मुझे मीनिंग समझाओ. What is the zero of a polynomial? मैं जीरो की बात नहीं कर रही, जीरो पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रही. किसी पॉलिनोमियल के जीरो का क्या मतलब होता है? आपको पावर इज जीरो. नो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. हाँ हर्षल, जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल व्हिच कैन मोड. हर्षल, एनीबॉडी कैन रीड आउट फ्रॉम द रजिस्टर ना? कोई भी पढ़ सकता था. ये चीजें ना आपके टिप, अभी आप चुप रहो, ये चीजें ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए. जो आपको पढ़ा दिया जाता है वो आपकी रिवाइज करना एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं थोड़ी ना हर क्लास में उसको रिवाइज कराऊंगी. जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, पहले तो जीरो का मतलब समझो वरना इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाओगे. अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना है, आपको मैंने निकालना भी सिखा दिया है, बट उसका मीनिंग क्या है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स शैल आई पुट हियर, एक्स की वो कौन सी वैल्यू मैं यहां लिखूं कि इस पूरे का आंसर जीरो बन जाए. से फॉर एग्जांपल एक आपके पास नंबर है, ये एक पॉलिनोमियल ये आपके पास. हर्षल, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं लूं कि इसका आंसर x को वो वैल्यू में यहां लगा दूं और ये जीरो बन जाए? -7. करेक्ट, -7. ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. जीरो पॉलिनोमियल मींस जीरो, साथ में x है. नाउ टेल मी x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए. x की जगह क्या लिखूं बताओ वेदिका, x की जगह क्या लिखूं? मैम 1. ना आप कह रहे हो 1, सो द इट विल बी 0. ठीक है, बन गया 0. ओके, नाइशा कह रही है x की जगह 0 लिख दो, तो भी 0. सहाना आप बताओ x की जगह क्या लिखूं? 5. व्हाट विल बी द आंसर? 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, व्हाट इज द आंसर? 0. दैट मींस मैं एक्स की कोई भी वैल्यू लगा दूं भैया ये हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ जीरो से मल्टीप्लाइड है. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस ऑप्शन? इसमें हमें ऑप्शंस क्या दे रखी हैं? 0, 1, एनी रियल नंबर और नॉट डिफाइंड. व्हाट विल बी द आंसर राहुल? यस मैम. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? What is the zero of a zero polynomial? 0, 1, any real number or not defined? Ma'am, any real number. Yes, any real number is the answer. मैं x की जगह कुछ भी लगा दूं, the answer will be zero. मैं x की जगह कुछ भी value लगा दूं, the answer will be zero. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन, जीरो पॉलिनोमियल इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अक्सर इसके बारे में आ जाता है. ठीक है जी, रब कर दूं. ओके, दिस वाज क्वेश्चन 8 ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच इज 2x+5 और वो आपसे पूछ रहे हैं इसका जीरो बताओ. निधिश, कैसे निकालते हैं जीरो? मैम हम इसका इज इक्वल्स टू हम जीरो कर देंगे. 2x+5 इज इक्वल टू जीरो मैम, जीरो आ गया. यस, सो हम इसको इज इक्वल टू जीरो करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो द आंसर इज -5/2 इज द जीरो ऑफ पीएक्स. क्लियर है? ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नोट करने नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत आसान है, मुझे पता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमें दोबारा करनी है होमवर्क में घर पे, तो मुझे पता है कि वो बहुत आसान है, आप खुद से ही कर लोगे. ठीक है, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10.
दिस इज नाउ अ डिफरेंट क्वेश्चन. आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. आपको इसके कितने जीरोस होंगे, कौन बताएगा? इस पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, ये भी मैंने समझाया था. किसी को याद है? नहीं याद है. ओके. हाँ सहाना, आप कुछ कह रहे थे? मैम टू. एब्सोल्यूटली करेक्ट, वंडरफुल. इस जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस होते हैं. कितनी डिग्री है इसकी? हाईएस्ट पावर टू है ना, टू डिग्री है, टू जीरोस होंगे. यानी एक्स के टू जीरोस होंगे और वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कोई एक बता दो. ठीक है, आप में से कितने लोगों को एट्थ क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है? इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री टू होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. आप में से कौन कौन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकता है? सिर्फ नायशा, सहाना, वेदिका, दैट्स इट. बाकी लोग नहीं कर सकते? क्यों, आप लोगों ने सीखी नहीं है? निधीश, निधीश कह रहा है. राहुल आपने सीखी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? ठीक है, आई एम वेटिंग. डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, चलो ट्राई करो. सो लेट्स डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं. Here we'll do some working. The standard form is of a quadratic polynomial is this. तो इसके हिसाब से हम इसको देखें तो a का value 2 है, b का value 7 है और c का value minus 4 है. We need to find out two numbers जिनका sum ये हो और product ये हो. Now what is the sum? Sum should be b. That means positive 7. Product should be A into C, that is minus 8. हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस नेगेटिव 8 आए, एड करें तो 7 आए. अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब उसमें एक नंबर इन दोनों में से नेगेटिव होगा. सम पॉजिटिव है अगर ये बिग नंबर है, बिग डिजिट है और ये स्मॉल डिजिट है. सम पॉजिटिव है, दैट मींस द बिग डिजिट हैज टू बी पॉजिटिव एंड द स्मॉल डिजिट, बिकॉज प्रोडक्ट इज नेगेटिव, स्मॉल डिजिट हैज टू बी नेगेटिव. दो नंबर मल्टीप्लाई करूं तो 8 आए और एड होकर 7 बन जाए. दीज आर द टू नंबर्स, 8 एंड नेगेटिव 1. इसको फिर हम कैसे लिखते हैं? मिडिल टर्म के दो हिस्से हो जाते हैं, विच इज प्लस 8x माइनस 1x माइनस 4. जब हमें दो नंबर्स मिडिल टर्म 7x को हमने दो टर्म्स में स्प्लिट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन लेते हैं. इसमें कॉमन है 2x, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 4. उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस. इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1. यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ आई हैव टू पुट प्लस सो दैट मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाए 4. ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए. अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक्स प्लस 4. एक्स प्लस 4 इसमें से बाहर ले लूंगी तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 1. सो एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां से x का आंसर आएगा माइनस 4, यहां से x का आंसर आएगा 1/2. दिस इज हाउ वी डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. दिस इज हाउ we find the zeros of quadratic polynomial. Middle term splitting पे हम डिटेल में दूसरी जगह बात करेंगे. अभी हमारे पास जो options हैं, इस question में हमारे पास चार options दे हुए हैं, ठीक है? And the options are 2, 1/2, negative 1/2 and minus 2. So हमारे zeros क्या आए हैं? Minus 4 और 1/2. So what is the answer? Option number B is the answer. आपको middle term splitting अभी नहीं आती क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही question किया है, that is okay. But इतना तो पता होना चाहिए कि जब हम quadratic polynomial की middle term splitting करते हैं हमारे पास दो brackets आ जाते हैं, ठीक है? इतना पता है कि हमारे पास दो brackets आ जाते हैं. नहीं भी पता था तो अभी देख लिया होगा.
दो ब्रैकेट्स आ गए. अब इन दोनों को अलग अलग पॉलिनोमियल मानकर जीरो निकालना समझ में आ गया, ये स्टेप समझ में आ गए. ठीक है, सो इन दोनों, ये दोनों आंसर है, इनमें से जो आंसर हमारे ऑप्शन से मैच करता है दैट इज 1/2. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल, द नेक्स्ट क्लास विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ओनली. उसमें हम सारा टाइम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ही बात करेंगे, इसी पे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच इज एक्स टू द पावर 51 + 51. दिस इज पॉलिनोमियल और वो कह रहा है दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल. जिससे डिवाइड होता है हम उसको जीएक्स कहते हैं, डिवाइजर को. फाइंड द रिमाइंडर करिए, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है. क्या स्टेप्स होते हैं हर्षिल, व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइंड अ रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम? लेट जीएक्स इक्वल्स टू जीरो. हाँ, सबसे पहले हम करते हैं Yet gx is equal to 0, yani x plus 1 is 0, so we'll get x is equal to minus 1. Yes. Then we will write using remainder theorem. ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर ma'am, we will substitute my negative 1 with x. That means we'll find out p of negative 1? Yes. Okay. X की जगह हम negative 1 लगा रहे हैं. So tell me, what should I write here? Negative 1 raised to the power 51 + 51. What will be the answer of this? This means negative 51. नहीं, this doesn't, इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि ये 151 से मल्टीप्लाई हो रहा है. इसका मतलब है 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 51 times. So negative 1. The answer will be negative 1. 1 को देखो, सबसे पहले देखो फिर से. नेगेटिव की पावर ऑड है. जब भी नेगेटिव की पावर ऑड होगी, दो नेगेटिव जब मल्टीप्लाई, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन इवन में पॉजिटिव बनेगा. यहाँ पावर ऑड है तो नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, माइनस का साइन ही रहेगा. अब वन को मैं कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दू, आंसर विल बी 1 ओनली. ये स्टेप क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को. So this is minus 1 plus 51. The answer is 50. So what is the remainder? 50. That is option number D. ठीक है? Clear है? कोई doubt है किसी को? Rahul, is it clear? Yes, ma'am. Okay, let's do question number 12. Question number 12 में हमें बताया है कि दो पॉइंट, एक px है, एक gx है. px is 2x² + kx और gx है हमारा x + 1 और आपको गिवन है कि ये gx px का फैक्टर है, k का वैल्यू निकालना है. ट्राई कीजिए, अभी हमने करे हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे, जैसे अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में निकाला था. So, उसके लिए हम कहते हैं लेट जी एक्स इज जीरो, दैट मीन्स एक्स इज माइनस वन. देन वी विल राइट यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम पी ऑफ माइनस वन निकालेंगे. सो दिस इज 2 - 1² + k - -1, है ना? सो व्हाट इज दिस? 2 - -1² -1² will become 1. 2 ones are 2 and this will become minus k. This is the remainder. ये बहुत solve नहीं हो सकता. फिर हम कहते हैं since gx is a factor, ये हमको given है कि जो gx है वो px का factor है. Factor का मतलब वो px को पूरा पूरा divide कर देता है. कोई पॉलिनोमियल जब किसी पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड कर देता है, दैट मींस रिमाइंडर शुड बी जीरो. दैट मींस दिस शुड बी जीरो. k को उधर ले जाओ. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ k? इट इज पॉजिटिव 2. आप लोगों ने क्या गलती की थी? शायद आपने gx गलत कॉपी किया था.
सहाना, ये वेदिका और नायशा ने तो शायद जी एक्स गलत कॉपी किया था, एक्स की जगह टू लगा दिया था। मैम मैंने ठीक है, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अपनी अपनी मिस्टेक्स देख लीजिए जो आपने सॉल्व किया है, मिस्टेक्स देख लीजिए। मेरा साइन की मिस्टेक आई है। ओके मैम मेरा सही आया है। आप तो फोर कह रहे थे आंसर। नो मैम मैंने पॉजिटिव टू कहा था। अच्छा मुझे फोर लगा। ओके Let's do question number 13. Question number 13 में वो कह रहा है that x plus 1 is a factor of which polynomial? Two बेटा, x plus 1 is a factor of which polynomial? हमें ना चार options दिए हुए हैं, a b c d. A is, मैं फटाफट लिख देती हूँ, हर्षिल, ये हर्षिल आर यू देयर? ये कैसे चेक करते हैं ये इसका फैक्टर है, ये कैसे चेक करते हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे आप? वी विल रिप्लेस x प्लस 1 विद x, वी विल रिप्लेस मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके And then we will replace minus one with the x. हाँ, कैसे चेक करेंगे कि ये इसका फैक्टर है? What is the rule? If I am a factor of something, that means मैं उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर रही हूँ, और मैं पूरा का पूरा डिवाइड कर रही हूँ मतलब रिमाइंडर जीरो है, यानी अगर रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। अब रिमाइंडर निकालने के दो मेथड होते हैं, जो एक लॉन्ग डिवीजन या तो पूरा डिवाइड करके देखो, और एक होता है रिमाइंडर थ्योरम। सो लेट अस फाइंड आउट कि किसमें रिमाइंडर जीरो आ रहा है, रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। हमारा जी एक्स है एक्स प्लस वन, दैट मीन्स एक्स प्लस वन इज जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस वन। हम एक्स की वैल्यू माइनस वन रख के हर जगह देखेंगे कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ट्राई करते हैं, माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन, सॉल्व करके देखते हैं। दिस विल बी माइनस वन, दिस विल बी पॉजिटिव वन, दिस विल बी पॉजिटिव वन, दिस विल बी पॉजिटिव वन, यानी एक तो कट गया, द आंसर इज टू, रिमाइंडर जीरो तो नहीं आया, दैट मीन्स ये तो फैक्टर है, ये इसका फैक्टर तो नहीं है। अब इसका ट्राई करते हैं इस वाले में, बी में, दिस विल बी माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, बी पार्ट ट्राई करते हैं, इसका आंसर क्या होगा नायशा? माइनस वन, पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन, पॉजिटिव वन, कुछ कटता है, नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन गया, नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन गया। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जीरो, जीरो, द रिमाइंडर इज जीरो, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे और चेक करना नहीं, चारों में से कोई एक ही आंसर है, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे चेक करना है, वो उसका फैक्टर है। ठीक है, जब लीनियर होता है तो ऐसे ही चेक करते हैं। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक होता तो मैं लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
द क्वेश्चन इज, ये बहुत आता है बच्चों एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में. द क्वेश्चन इज, हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पहले इसको समझेंगे, साथ साथ नोट डाउन मत करिएगा. हमें एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें बोल रहे हैं कि इसके फैक्टर्स, नीचे कुछ और पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, नीचे कुछ और पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि उनमें से इसका फैक्टर कौन है. आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन, विच इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा. इसको ध्यान से देखिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, इसको ध्यान से देखो. कुछ याद आता है? आपको आईडी खोलनी आती है इसकी? कौन सी आईडी है ये? सेकंड आईडी. That's rubbish, Nidhish. Second ID. Excuse, tell me the ID, dear. Ma'am, a square plus b square minus 2ab. देखो आप फिर ID आधी बोलते हो. A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. इसका whole square बनाना Nidhish. Ma'am, किसका? इसको solve करो. Okay, ma'am. 5x square, 5x whole square minus 1. प्लस ब्रैकेट माइनस वन स्क्वायर. रॉन्ग, इट्स वन का स्क्वायर. यस मैम, सॉरी. माइनस टू ब्रैकेट फाइव एक्स ब्रैकेट एक्स वन. तो करना 25x स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन सॉरी वन माइनस टेन एक्स. क्या ये और ये सेम है? No, ma'am. Then you are choosing a wrong ID. Ma'am, it's a third ID. Sahana is giving something correct. ध्यान से देखो यहाँ. ये किसका whole square है? 5x का square. फिर minus. ये किसका square है राहुल? Ma'am, minus one. अबे वन, इसको भी छोड़ देते हैं, पहले फर्स्ट वाले की ही बात कर लेते हैं. यहाँ कोई आईडी दिख रही है हर्षल? मैम. क्या आईडी है बेटा? नो मैम. नहीं दिख रही है? नहीं मैम. That means you don't remember the IDs. नाइशा. मैम क्या ना है? मैम क्या ना है? That's the correct ID. This is the ID. A square minus B square is A plus B, A minus B. यहाँ पर A क्या है? A is 5x and B is 1. तो यहाँ पर दो ब्रैकेट बनाना जरा निधीश, ये क्या हर्षल, यहाँ इसकी जगह क्या दो ब्रैकेट बनेंगे जल्दी बताओ. This will be 5x plus 1 and 5x minus 1. Right. क्या यहाँ तक क्लियर है? Right. इसको देखते हैं. This is, this means 1 plus 5x. Can I say 1 plus 5x? Or can I say 5x plus 1? एक ही बात है. 1 plus 5x. 1 plus 5x. दोनों positive हैं. तो अगर मैं shuffle भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका मतलब है कि ये भी दो बार multiplied है. यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, बस उसको दो बार लिख दिया. अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? वेदिका, इन दोनों में क्या कॉमन है? मैम 5x plus 1. राइट. अगर मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाता है? इन दोनों में से कौन सा बच गया? मैम 5x minus 1. 5x minus 1 plus ये वाला बाहर आ गया और एक बच गया. क्या ये स्टेप क्लियर है? Now, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस वन पॉजिटिव वन कट गया. यहाँ क्या हो गया? 10x.
पे अटेंशन, ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे देते हैं फैक्टराइज, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसको मैंने जब फैक्टराइज करना स्टार्ट किया तो आई हैव गॉट टू फैक्टर्स विच आर 5x प्लस 1 और 10x, ये इसके दो फैक्टर्स हैं। अब अपनी ऑप्शंस में से देखो इन दोनों में से कोई है, yes, 10x, this that is option number D, option number D, that is the answer, ye hai iske factors. This is a very important question, I want you to note this down, isko note kar lo, ye bahut important question hai. Aur ye jo concept hai na, ek jagah id lagegi, fir do do bracket ban jayenge, fir common hoga, ye kai questions mein use hoga, note down kar lo. Number question number 15, 249 square minus 248 square. कुछ दिखाई दे रहा है हर्षल? Can you think of something looking at this? No. हर्षल हमने इससे last question में किया है. Property. I'm able to think. A minus B equals to A minus B equals to A plus B and minus B. ये कौन सी आईडी है? A माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसी तो कोई आईडी नहीं पढ़ाई मैंने। हर्षल अभी हर्षल सी बच्चे आपकी आईडीज, यू हैव टू लर्न द आईडीज, और ये आईडी आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये स्क्वायर की आईडी आपने क्लास 8th में भी पढ़ी है और 9th में भी, नहीं 9th में भी मैं बहुत बार ये आईडी वाला टॉपिक पूरा करा चुकी हूँ, यू शुड रिमेम्बर दिस द आईडीज नाउ. This will be a square minus b square is equal to a plus b a minus b, where a is 249 and b is 248. This side of the id is my question, so I have to make the answer. So yahan pe karenge 249 plus 248 and a minus b, iska answer kya hoga? 497, और इसका आंसर क्या होगा? 1. So what is the final answer? 497. Option number D. Option number D. Clear है? It's an ID based question. Question number 15. Okay? Yes? कोई बात नहीं. आपको खुद से भी practice होनी चाहिए. Question number 16. आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बोल रहे हैं इसका फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, और नीचे ऑप्शंस में बुक आई होप आपके सामने ही है, नीचे ऑप्शंस में दो दो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रहे हैं इसको फैक्टराइज करो, नीचे ऑप्शंस में दो दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। This is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial में कभी कभी तो आईडी लग जाती है a plus b whole square या a minus b whole square. ये तो किसी का whole square है, ये root का है और कहीं यहाँ यहाँ पे root नहीं है, that means आईडी नहीं लगेगी. I have to do it by middle term split. Middle term splitting के लिए this is the standard form. A is 4, B is 8, C is 3. Sum should be B, positive 8. Product should be A into C, that is 12, positive 12. Do number, multiply karu to 12 aaye aur add karu to 8 aaye. Rahul, can you give me two numbers? Ma'am, 6 plus 2. 6, positive 6 and positive 2. Theek hai, do numbers mil gaye, let's do it. प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे, 2x विल बी कॉमन, x प्लस 3 पॉजिटिव साइन है, फिर नथिंग इज कॉमन, सो 1 इज कॉमन. इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 मिनट, हाँ यहाँ 2 आएगा ना, 2 2 4,
2x plus 3 and 2x plus 1. These are the two brackets. Ab check karo koi option hai Sahana. Kaun si option hai ye? 2x plus 1, 2x plus 3. Ye dono brackets kaun si option mein? Sorry? B part. Right, B for Bombay. That is the answer. Isko note kar lijiye. Gets to question number 17. Aapko ek polynomial diya hua hai, which is x plus y whole cube minus x cube plus y cube. आपको बोला है चार ऑप्शंस हैं और बोला है इन चारों में से इसका फैक्टर कौन है. फैक्टर कौन है मींस आई हैव टू फैक्टराइज दिस. फैक्टराइज करने का मतलब है मुझे ये ब्रैकेट्स नहीं खोल देने, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ. यहां पर एक आईडी है, किसको याद है? किसी को याद है आईडी? निधीश, डू यू रिमेम्बर दिस आईडी? निधीश, आई थिंक यू शुड से यस और नो. हाँ वेदिका. मैम ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर. That's wrong. You are giving me the idea of a plus b whole cube. Ma'am, kya na hai? Haan ji, Rahul. Ma'am, a cube plus b cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. No, you're also giving me a wrong idea. Dekh ke nahi batani hai. Theek hai? Dekh ke nahi batani hai, Harshal. It is a cube plus b cube. A cube plus B cube is equal to A plus B A square minus XY plus Y square. This is the idea. This is the idea. Ab ek baat batayenge Nidhish. He's not there. Okay. Sahana, isme aur isme kya common hai? Mom, XY square प्लस वाई स्क्वायर. क्या कह रहे हो? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स प्लस वाई, सॉरी मैम. एक्स प्लस वाई इज कॉमन. अगर एक्स प्लस वाई इसमें से एक बाहर आ गया तो यहाँ कितने बच गए? सहाना. मैम एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसका मतलब क्या है सहाना? व्हाट डज इट मीन एक्स प्लस वाई क्यूब? व्हाट डज इट मीन दैट एक्स प्लस वाई इज मल्टीप्लाइड थ्री टाइम्स. यहाँ पर एक नहीं, यहाँ तीन बार ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई का. एक ब्रैकेट बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया? एक्स प्लस वाई स्क्वायर. उसके बाद माइनस का साइन है. ये वाला ब्रैकेट बाहर कॉमन आ गया तो ये पीछे वाला ब्रैकेट बच गया. आप लोगों को ये आईडी तो खोलनी आती होगी, एट्थ क्लास से सीखते आ रहे हो. दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. नेगेटिव का साइन है, ये ब्रैकेट खोल देंगे. माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. कुछ कट रहा है? एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कट गया. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इन दिस ब्रैकेट? टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इट्स थ्री एक्स वाई. तो जब मैंने इस पूरे को फैक्टराइज किया मेरे पास दो सिंपल ब्रैकेट आ गए, लीनियर ब्रैकेट्स, इनके डिग्री लीनियर है. ये दो फैक्टर आ गए. अब इनमें से आपको कौन सी ऑप्शन दे रखी है आंसर में? 17th का आंसर है डी, dxy. दिस इज गिवन देयर, ऑप्शन नंबर डी. साथ साथ नोट मत करिए वेदिका, समझने की कोशिश करिए. आप नोट, जब आप ये वीडियो देखेंगे पॉज करिएगा और नोट कर लीजिएगा. आप यहाँ सिर्फ नोट करने नहीं आते हैं ना, समझने भी आते हैं. इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नोट तो आप वीडियो में से भी कर सकते हो पॉज करके.
Question number 18. क्वेश्चन नंबर 18, आपको एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है और आपको बोल रहे हैं फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स. इसका मतलब मुझे इसको एक्सपैंड करना होगा. इसको एक्सपैंड करने के लिए आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 में. दिस इज द आईडी वेयर ए इज एक्स, B is 3. Bracket ID हमेशा missing values वाले में, जिसमें values substitute करते हैं, वो उसमें use होती है. So this will be A का cube, B की जगह 3 लगाती जाऊंगी, A की जगह X लगाती जाऊंगी. So this is X cube plus 27 plus 9X square plus 9X. So Harshil, what is the coefficient of X? 9. It's positive 9. And positive 9 is on B. B option. Option B is the answer. Ye to easy tha. Theek hai? Ye to easy tha. Okay, let's do question number 19. Another very important question. Bohat important hai guys. Bohat aata hai. Given hai x upon y plus y upon x is negative 1. और हमको फाइंड करनी है वैल्यू x क्यूब माइनस y क्यूब की. बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है. ठीक है, आपको जो गिवन है इससे मैं स्टार्ट करूंगी, टेढ़ा नहीं लिखती हूँ, दिक्कत हो जाएगी. यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं. व्हाट इज द एलसीएम? Y, X. Yes, or I can say X, Y. This will be, इसके नीचे Y है, तो ये X इस X से multiply होगा, X square. इसके नीचे X है, X को छुपा देती हूँ, Y बच गया. ये Y इस Y से multiply होगा, Y square. So can I say X square plus Y square, cross multiply, तो ये इधर चला जाएगा. X square plus Y square is minus X, Y. इसको भी इधर ले आओ. X square plus y square, positive x y is equal to 0. ये step सबसे important है. Now आपको इसकी value find out करनी है. एक id है ये, a cube minus b cube, जिसका answer में दो brackets बनते हैं, x minus y, x square plus x y plus y square. इन दोनों bracket में से आपको किसी की value पता है? वेदिका मैम, इन दोनों ब्रैकेट में से किसी की वैल्यू पता है? सहाना? यस मैम, सेकंड ब्रैकेट. यस, कितनी वैल्यू है इसकी? जीरो. जीरो अभी तो निकाला था. So what is the final answer? Zero. The option number C. Option number C. It's a good question. बहुत बार आता है ये. जब आप वीडियो देख रहे होंगे इसको जरूर नोट करिएगा. मैं इसीलिए ये बना रही हूँ क्योंकि वीडियो, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स थक पूछते हैं मुझसे इनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, तो कभी मैं नहीं हूं तो भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताया है दिस इज इक्वल टू दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी. बहुत इजी क्वेश्चन है. हर्षिल, इस साइड पर क्या हो सकता है, जल्दी बताओ. This will be for this will be a minus b वाली property. कौन सी पूरी property? A square minus b square equals yes. To, yes. अगर आप देखो ये property कितनी important है ना, कितनी बार exemplar में इसी पे based question आया है, इसी id पे. A square minus b square is a plus b a minus b.
तो यहाँ पे किसका स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर होगा हर्षल? 7 स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर 7x बेटा. This will be 49x square minus 1 by 4. Compare करके राहुल मुझे बताना b की वैल्यू कितनी है. अगर ये दोनों सेम है तो b की वैल्यू कितनी है? Can anyone else guess? Mom, b is equal to 1 by 4. Very good. Yes. Yes, Naisha. It is 1 by 4. भाई 49x square तो मैच हो गया, फिर माइनस का साइन भी मैच हो गया, तो बचा क्या? यहाँ पे बचा b, यहाँ पे बचा 1 by 4. So b is 1 by 4. That is option number c. Last question तो वैसे ही बहुत आसान है. Question number 21. आपको गिवन है that a plus b plus c is 0. So what is the value of a cube plus b cube plus c cube? What is the value? 3abc. Yes, this is equal to 3abc. That is an, Naisha, you are also correct. 3abc, that is an ID. ठीक है? और वैसे भी ये question आपने किया हुआ है NCERT में. This question is proved in NCERT exercise 2.5. ठीक है गाइस, सो दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 2.1. आज के लिए इतना ही. आपका होमवर्क क्या है? आपको यही एक्सरसाइज दोबारा करनी है. आई विल अपलोड दिस वीडियो, इन केस यू गेट स्टक इन एनी क्वेश्चन यू कैन रेफर दैट. ठीक है? प्लस जो मैंने आपको एक दूसरा असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, आपको वो भी करना है. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे. नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट. ओके.